बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ असरा अनवर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देगी मटन पुलाव बनाने का तरीका। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। आई फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हमें इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लिया है 1 kg मटन, जिसको मैंने काली मिर्चें, ज़ीरा और नमक लगा के 1 घंटे पहले रख दिया था। देखिए इस तरह से इसको हर चीज़ अच्छे से लगी हुई है। उसके बाद मैंने ये ली है कुछ चीज़ें, ये मैंने लिए है अदरक के कुछ पीसेस, बड़े वाला मैंने एक लिया है प्याज, 2 मैंने ली है इलायची, 1 मैंने ली है बड़ी इलायची, ये मैंने 2 सब्ज़ इलायची ली है, 2 मैंने लिए है पीसेस दालचीनी के। आई फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी यखनी किस तरह से तैयार करनी है। ये मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, जिसमें मैंने ऐड कर देना है ये गोश्त। इसको हमने नमक, ब्लैक मिर्चे, ज़ीरा लगा के पहले ही रखा हुआ था। अब मैंने इसमें ये चीज़ें ऐड कर देनी हैं। ये हम कर रहे हैं यखनी तैयार। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लीटर पानी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 लीटर पानी। इसमें हमने पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमें इसकी यखनी की ज़रूरत है। इसकी यखनी से ही तो हमारे पुलाव में आएगा टेस्ट। अब मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर कुकर। इसको हमने 10 मिनट तक प्रेशर कुकर लगाना है। ये है हमारा छोटा गोश्त, क्योंकि ये पक जाता है जल्दी। इसको ज़्यादा देर प्रेशर कुकर नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल गया तो ये हमारे लिए नुकसान होगा। हमने इसको सिर्फ 10 मिनट लगा के ही गालना है। ये मैंने लगा दिया इसको प्रेशर कुकर। 10 मिनट तक हमारा प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे, तब तक हम करते हैं दूसरी चीज़ें तैयार पुलाव के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने लिए है 3 प्याली चावल, 1/2 प्याली मैंने लिए है कुकिंग ऑयल, ये मैंने लिए है कुछ लौंग, साबुत काली मिर्चें, बादिया कताई के फूल, बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। ये मैंने लिए है 1 कढ़ाई, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। अब हम ऑयल को करेंगे 2 मिनट तक गर्म, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा ऑयल हो गया है गर्म, अब मैं ये सब चीज़ें इसमें कर दूँगी ऐड। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये हमारा कुकर प्रेशर कुकर भी चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से हमारी होगी है ये चीज़ें फ्राई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। हमने ज़ीरे को ब्लैक नहीं करना, ब्राउन करना है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज। इसमें ऐड कर दी है प्याज। प्याजों को हमने अच्छे से करना है ब्राउन। ये मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है, हमारे हो गया 10 मिनट पूरे। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया। चावलों को मैंने अच्छे से धो के पानी में भिगो के रख दिया है। 3 प्याली मैंने ली है चावल, बड़े वाली प्यालियाँ ली है 3 चावलों की, जो कि 1 किलो से थोड़े से कम चावल है। 3 मैंने लिए है टमाटर। अब मैं काटती हूँ टमाटरों को। ये जो मैंने गोश्त को उबाला था, जिसकी मैंने बनाई थी यखनी, मैंने गोश्त को कर लिया है 1 प्लेट में अलहदा। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें ऐड की थी, हमने कुछ भी ज़ाया नहीं करना है। ये देखिए, प्याज भी नज़र आ रहा है। ये हमारी चीज़ें ज़ाया करने से बहुत ही ज़्यादा गुनाह होता है। ये हमारी दालचीनी भी नज़र आ रही है। ये हमने सब ऐड करना है अपने पुलाव के अंदर। अगर तो आपने रखना है चावलों का कलर लाइट ब्राउन, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर हमने चावलों का कलर थोड़ा सा डार्क करना है, तो हम इसको और ब्राउन होने देंगे। मेरे प्याज़ों का माशाल्लाह से कलर हो गया है बहुत ही अच्छा लाइट सा ब्राउन। देखें, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और इसके ऊपर दे दूँगी ढक्कन। अब मैंने इसका उतार लिया है ढक्कन। ढक्कन से हमारे प्याज बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं, इससे हमारे चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये जो मैंने लिए थे 3 टमाटर, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये है मैंने लिए कुछ सब्ज़ मिर्चें, इसको मैंने ऐसे साबित ही ऐड करना है। हम इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। जिसकी मेरा मानी रहे हैं, हमारे टमाटर हो गए अच्छे से फ्राई, हमारे टमाटर गल गए हैं। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर, ये मैंने लिए है 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया पीसा हुआ, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैंने लिए है दादर की हुई रेड मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला। ये सब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ।
दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त, इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि ये अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जख्मी। ये जो हमारा चावलों का पानी है ये भी हमने ज़ाया नहीं करना है, ये भी हमने अपने पुलाव के अंदर कर देना है मिक्स। इस तरह से मैंने चावलों का सारा पानी इसमें डाल दिया है। जब हमारे पानी को आ जाएगा एक उबाला तब हम इसमें चावल डालेंगे। मैंने इसमें 3 प्यालियाँ चावलों की ली थी तो मैंने इसमें 6 प्यालियाँ पानी की डाल दी है। पानी उबलने लग गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये वाले चावल। तो इस तरह से हिलाएंगे और इसके नीचे हम कर देंगे आग तेज़ और इसको पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावलों में हो रहा है पानी खुश। अब हम इसमें नमक चेक करेंगे, अगर आपको इसका नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नमक चेक कर लिया है, मुझे नमक बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें गरम मसाला 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा फिर हमने इनको रखना है दम पे। अगर हमने इसी तरह रख दिया दम पे तो चावल हमारे जुड़ जाएंगे, लेसदार हो जाएंगे। मैं इसका पानी अच्छे से खुश्क होने देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए फ्रेंड्स इसमें पानी हो गया है बहुत अच्छे से खुश्क। अब हमने इसको रख देना है दम पे। मैं इसको रखती हूँ दम पे, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको रख दिया है दम पे। इसके नीचे मैंने एक पुराना सा तवा रख दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट दूंगी दम। 10 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी कि हमारा देगी पुलाव किस तरह का हुआ है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे हो गया 10 मिनट पूरे। मैंने इसकी गैस कर दिया है बंद। अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावलों को दम आ गया है। माशाल्लाह से मुझे लग रहा है हमारे चावलों को दम आ गया है। अब हम इसको हिलाते हैं। इस तरह से हमने सारे चावलों को हिला लेना है। मैं सारे चावलों को हिला के आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे चावलों को हिला लिया अच्छे से। माशाल्लाह से हमारा हो गया है देगी पुलाव तैयार। देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इनको निकाल लिया है एक प्लेट में। जब तक मैंने रखा था चावलों को दम पे तो मैंने काट लिए थे प्याज, खीरे, टमाटर और ये दही तैयार कर लिया था। इसको हम रायते के साथ, सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हमारा देगी पुलाव माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। असरा अनवर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।